दोस्तों, दुनिया रहस्यमय घटनाओं से भरी पड़ी है और कुछ रहस्यमय घटनाएं हैं और कुछ रहस्यमय जगह हैं। तो चलिए उन्हें जानते हैं और बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5। 1975 में चीन के हेचिंग में कुत्ते तथा अन्य जानवर बड़ा ही अजीब व्यवहार करने लगे, जो बहुत ही ज़्यादा विचित्र और समझ से परे था। जानवरों की यह हरकत बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी। चीनियों ने इसे रहस्यमय संकेत समझा और पूरे शहर को खाली कर दिया, और उसके बाद जो हुआ वो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इस शहर में 7.3 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप आया, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि यह बात कुत्तों और अन्य जानवरों की हरकत से कैसे पता लगा। नंबर 4। दोस्तों, मनुष्य के अंदर अलग अलग तरह का ब्लड ग्रुप होता है, ये बात आपको पता है, पर ऐसा किस लिए होता है ये किसी को नहीं पता। इस पर वैज्ञानिकों ने बहुत माथापच्ची की, पर उन्हें आज तक नहीं पता और यह एक रहस्य बना हुआ है आखिर क्यों हमारे शरीर में अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। नंबर 3। चीन में याक्सी नामक एक गांव बसा हुआ है, जो अपने एक विचित्र कारण के लिए जाना जाता है। इस गांव की एक विशेषता है कि इसमें रहने वाले लगभग लोग बौने हैं। इस गांव को लोग बौनों का गांव भी कहते हैं, परंतु इस गांव में इतने अधिक लोग बौने क्यों होते हैं यह अभी भी अज्ञात है। नंबर 1। दोस्तों, नाचना बहुत ही बढ़िया बात है, पर क्या होगा किसी बीमारी में आप अचानक ही एक पूरा शहर नाचने लगे। 1518 शताब्दी में रोमन शहर में एक ऐसी ही विचित्र नाचने वाली बीमारी फैली, जिसे लोगों ने डांसिंग प्लेग का नाम दिया, और इस रहस्यमय बीमारी को आज तक नहीं समझा जा सका। करीब 400 लोग जो एक रोमन शासित शहर में रहते थे, अचानक ही नाचना शुरू किया, जो करीब एक महीने तक लगातार नाचते ही रहे। कई लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु वह नाकामयाब रहे। इन लोगों में से अधिक लोग थकान, दिल का दौरा तथा खून की नसें फट जाने के कारण मारे गए। यह बीमारी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। नंबर 1। रोमेनिया के ट्रांसिल्वेनिया जिले में होइया बासेउ नाम से एक रहस्यमय जंगल है। यह जंगल बहुत सी भूतिया तथा रहस्यमय गतिविधियों के लिए बदनाम है। यह जंगल घूमने वाले बहुत से पर्यटक जब जंगल घूम कर वापस आते हैं, तो उनके शरीर पर जले हुए तथा खरोचे के निशान होते हैं, लेकिन उन लोगों के अनुसार उन्हें पता ही नहीं होता कि यह सब कैसे हुआ। वही कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि अपने जंगल यात्रा के दौरान उन्हें बीच के कुछ घंटे याद नहीं रहते। इन खोए हुए समय में क्या हुआ इसके बारे में वह पूरी तरह से अनजान रहते हैं, तथा वह उसे लुप्त समय कहते हैं। इस क्षेत्र में बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि यह कुछ भूतिया घटनाओं या भूतिया गतिविधियों की जगह है, परंतु कारण चाहे जो भी हो, आज तक यह समझ में नहीं आया और यह एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। इन रहस्यमय घटनाओं के बारे में आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सी घटना सबसे बढ़िया लगी। बहरहाल, घटना तो कोई बढ़िया नहीं थी, पर फिर भी ट्राई करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।